शेम ऑन यू। और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अभी भी ट्विटर पर जिंदा हो, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए। एक नंबर की झूठी हो तुम झूठी साबित हो चुकी हो, तोतली पूरी झूठी साबित हो चुकी हो ट्विटर से, अब तुम हर जगह से निकल जाओ। वारे तोतली कंगना, क्या पब्लिसिटी स्टंट है पब्लिसिटी पाने का और देश की जनता के करीब जाने का। वाह वाह, तेरे लिए तो तालियां बजानी पड़ेगी। तूने शुरुआत करी सुशांत की मौत पर पब्लिसिटी स्टंट, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र को पीओके बोला, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी के बेटे को तुमने टारगेट किया, उसके बाद महाराष्ट्र के पुलिस को, मुंबई पुलिस को टारगेट किया, फिर उसके बाद हमारे सीएम को टारगेट किया उद्धव ठाकरे जी को। अरे करम जली, शेम ऑन यू। तेरी 14 पुश्त भी जन्म लेगी ना तो एक एक मराठियों का बाल भी बाका नहीं कर सकती। हमारे सीएम तो बहुत दूर की बात है। अरे तेरे में दम है, आ मराठियों से लड़के दिखा। जय महाराष्ट्र, जय भारत। मैं इतनी खुश हूं आज कि हमारे उद्धव ठाकरे जी ने, हाँ हाँ महाराष्ट्र के सीएम, गर्व से कहती हूं महाराष्ट्र के सीएम, हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तोतली को। हाँ हाँ तोतली को, जो दे बड़े बड़े सीएम और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों को जी जी करके बुलाती है तोतली। और हम अभी मैंने एक वीडियो देखा कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम को नाम से पुकार रही है, उद्धव ठाकरे करके। अरे तोतली, तू हमारे महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की जुत्ती है, जुत्ती समझी, जुत्ती है। सर आई प्राउड ऑफ यू, महाराष्ट्र के हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी क्या बोले हैं आप। महाराष्ट्र सीएम का अपमान पूरे महाराष्ट्र का अपमान है, और तोतली तुमने उनका अपमान किया। तू तड़ाके से बात करती, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही लक्षण दिए हैं कि जो हमारे सीएम है या कोई भी बड़े पद पर मंत्री है उनको ऐसे तू तड़ाके से बात करो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लक्षण नहीं दिए हैं अच्छे? जब अठावले साहब तुम्हारे घर पर आए तो दो टांगे ऊपर करके सेक्सी ड्रेस पहन के बैठी थी, वाह। और अभी हमारे हमारे महाराष्ट्र सीएम के बारे में तू तड़ाके से बात करती हो? शेम ऑन यू यार तोतली, शेम ऑन यू। और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अभी भी ट्विटर पर जिंदा हो, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए। एक नंबर की झूठी हो तुम झूठी साबित हो चुकी हो तोतली, पूरी झूठी साबित हो चुकी हो ट्विटर से, अब तुम हर जगह से निकल जाओ। वारे तोतली कंगना, क्या पब्लिसिटी स्टंट है पब्लिसिटी पाने का और देश की जनता के करीब जाने का। वाह वाह, तेरे लिए तो तालियां बजानी पड़ेगी। तूने शुरुआत करी सुशांत की मौत पर पब्लिसिटी स्टंट, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र को पीओके बोला, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी के बेटे को तुमने टारगेट किया, उसके बाद महाराष्ट्र के पुलिस को, मुंबई पुलिस को टारगेट किया, फिर उसके बाद हमारे सीएम को टारगेट किया उद्धव ठाकरे जी को। अरे करम जली, शेम ऑन यू। तेरी 14 पुश्त भी जन्म लेगी ना तो एक एक मराठियों का बाल भी बाका नहीं कर सकती। हमारे सीएम तो बहुत दूर की बात है। अरे तेरे में दम है, आ मराठियों से लड़के दिखा अपने घर में। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत त्याग दिया है उन्होंने एक एक मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र इन लोगों के लिए। आज उनकी आत्मा इतनी खुश हो रही होगी कि उनका सुपुत्र महाराष्ट्र के सीएम है, इससे हमें भी बहुत गर्व है कि जो मेहनत उन्होंने की आज मेहनत रंग लाई। और तुम तोतली, महाराष्ट्र सीएम के खिलाफ, मराठी लोगों के खिलाफ साजिश रचा रही हो, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश रचा रही हो। तुम हमारी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे महाराष्ट्र में बंद करके कहीं और खुलवाना चाहती हो।
ये तुम्हारी साजिश है। तुम्हें क्या लगता है देश की जनता तुम्हारी तोतली आवाज है ये बाबा बातों को सुनेगी? नहीं सुनेगी। आदरणीय महाराष्ट्र के जो सीएम है हमारे उद्धव ठाकरे जी से मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी, जिस तरह हर जगह मुंबई पुलिस नंबर वन पर है, उसी तरह महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री एकदम वर्ल्ड लेवल में नंबर वन पर आए। मैं गुजारिश करना चाहूंगी उसे उस तरफ बढ़िया बनाया जाए ताकि हमारे बॉलीवुड को कहीं और जाके शूटिंग करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें स्विट्जरलैंड या यूरोप या लंदन अमेरिका महाराष्ट्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में दिखे। इसकी जिम्मेदारी मैं भी उठाने के लिए तैयार हूं अगर ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए कि फिल्म इंडस्ट्री को बेटर से बेटर बनाया जाए, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नंबर वन बनाया जाए ताकि सब लोग शूटिंग यहीं पे करें, यहीं पे स्वर्ग। हमारा मुंबई स्वर्ग है, हमारा मुंबई स्वर्ग है, हमारा मुंबई। जय महाराष्ट्र, जय मुंबई, जय भारत। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हराम खोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयस है, हिमाचल है जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देवभूमि कहा जाता है, इसके बारे में आपने इतनी ज़्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहाँ की तुलना, क्योंकि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपके आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की, तो बहुत ज़्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे। लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की, अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुँह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूं कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं, आप खुद के लिए अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं, लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। सत्ताएं आती जाती है, लेकिन जो इंसान एक बार सम्मान खो देता है चीफ मिनिस्टर, वो उसे नहीं पा सकता है। जय हिंद। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।